हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो फिलहाल देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं संगम, पावन पवित्र नगरी प्रयागराज के संगम पर हम लोग जो है आ चुके हैं। और देखिए जो बाढ़ का पानी है वो देखिए लगभग यहाँ तक पहुँच चुका है, और देखिए काफ़ी भीड़ लग चुकी है। और यहाँ पर देखिए ये जो चौराहा है, और जो कि आपका परेड ग्राउंड से जो आता है, यहीं देखिए चौराहा है, और इसी के पास में एकदम देखिए यहाँ पर करीब जो है कि देखिए पानी एकदम करीब में ही है। चूँकि आज जो है कि तीज है, 30 अगस्त है आज, और आज का अपडेट आपको हम दिखा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो तीज के उपलक्ष्य में यहाँ पर काफ़ी महिलाएँ जो स्नान करने आई हैं, और बाकी बोर्ड देख ही रहे हैं, ये संगम का रास्ता वाला बोर्ड है। और बाकी सामने वाले कैमरे से आपको अपडेट देते हैं। तो बाबू आइसक्रीम खाते हुए जा रहे हैं ये मेले से वापिस जो है। तो देखिए ये है सामने जो है कि सामने का नज़ारा संगम 1 किलोमीटर, और देखिए भीड़ जो है शाम के समय कितनी है। और सामने देखिए नाव वगैरह की भी व्यवस्था है, और स्टीमर वगैरह भी चल रही हैं। देखिए फिलहाल हम जो है कि श्री आदिशंकर मंडपम मंदिर पर आ चुके हैं, और यहीं पर हम लोग चलेंगे ऊपर, और यहीं से जो है आपको, तो देखिए आदिशंकर मंडपम के मंदिर पर हम लोग यहीं से चलेंगे ऊपर, वहीं से जो है पूरे संगम का आपको व्यू दिखाने वाले हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसको सजाया गया है, बनाया गया है, और जो है कि इसकी नक्काशी बहुत बेहतरीन है। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर से, आपको जो है कि पूरे संगम का नज़ारा यहाँ से दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, फिलहाल हम लोग जो है कि मंदिर के प्रथम तल पर हैं, और यहाँ से देखिए ये जो है शास्त्री ब्रिज का नज़ारा, जो कि ये बनारस का रूट है, इसी रूट से जो है कि लोग बनारस जाते हैं। और देखिए पानी जो जलस्तर है गंगा जी का कितना बढ़ चुका है, और लगभग देखिए जो है कि लगभग टच ही होने वाला है, थोड़ा सा कम और बचा हुआ है। और बाकी देखिए नाव जो है सब यहाँ सब किनारे लगी हुई हैं, और इसके ऊपर भी चलेंगे, वहाँ से भी आपको नज़ारा दिखाएँगे। फिलहाल देखिए जो संगम क्षेत्र है वो देखिए ये इधर। फिलहाल देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो कि मंदिर के सबसे ऊपरी तल पर हैं, इससे ऊपर जाना अलाउ नहीं है। तो यहाँ से देखिए शास्त्री ब्रिज का नज़ारा, देखिए जो कि बनारस का रूट इसी पर से होकर जाता है, और जितने भी साधन वगैरह हैं सभी बनारस के इसी पर से होकर जाते हैं। और सामने देखिए गंगा के जल स्तर का अपने उफान पर है, और बाकी देखिए नाव जो है यहाँ पर किनारे जो है कि ला करके सटा दिया गया है। अब के संगम क्षेत्र का नज़ारा देखिए, ये पूरा संगम क्षेत्र है, और पूरा देखिए पूरा एकदम पूरा डूब चुका है। और देखिए ये रहा सामने संगम क्षेत्र, यहाँ पर देख सकते हैं आप यमुना का पानी आप देख रहे हैं, अलग कलर में दिख रहा होगा, पीले कलर का। और गंगा जी का पानी देखिए हरे कलर का हल्का फुल्का है, और यहाँ पर देखिए दोनों पानी आप अलग अलग यहाँ से देख सकते हैं। और बाकी देखिए ये संगम क्षेत्र का नज़ारा, और आपको उस कॉर्नर से दिखाते हैं। तो देखिए इसके पहले अगर हम हमारा संगम वाला वीडियो देखे होंगे, तो देखिए ये जो है किनारे किनारे देखिए जो तार लगा हुआ है, यहाँ पर रोड है, और जो कि फ़िलहाल अब डूब चुका है। और सामने देखिए जो अकबर का किला है, अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए अकबर का किला है। बाकी तिरंगा देखिए यहाँ पर फहराता हुआ, और वो भी लगभग देखिए इसके बॉर्डर को टच कर गया है। बाकी जो लेटे हुए हनुमान जी हैं वो तो पूरी तरह गंगा के आगोश में आ चुके हैं। और सामने देखिए स्टीमर वगैरह यहाँ पर लगी हुई हैं, और देखिए ये पूरा संगम क्षेत्र है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो यमुना का पानी है और गंगा का पानी है, दोनों को देखिए आप यहाँ पर अलग अलग क्लेरिफाई यहाँ पर देखिए कर सकते हैं। देखिए पीला वाला देखिए यमुना जी हैं, और इधर जो देखिए ये गंगा का पानी, और ये दोनों देखिए यहाँ पर अलग जो है कि आपको प्रतीत हो रहा होगा यहीं से। बाकी देखिए पूरा अभी गंगा जी पूरे उफान पर हैं। और कल के शाम का अगर आप हमारा वीडियो देखे होंगे, तो NDRF टीम से हमने बात किया था, तो उन्होंने कहा कि अभी 6-7 दिन तक ऐसे ही जलस्तर बना रहेगा, ना ही घटने वाला है ना ही बढ़ने वाला है। यहाँ पर एक भाई साहब मिले हैं, और इनसे हम लोग जान लेते हैं कि गंगा का क्या जलस्तर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। जी भैया, हाँ, परसों जलस्तर जो था, जो मंदिर का गेट है, बजरंगबली मंदिर का जो मेन गेट है, परसों जो मंदिर ट्रस्ट वालों ने फोटो लगाया था उसमें परसों पानी ज़्यादा था, जो आज महाराज जी फोटो लगाए थे उसमें लगभग 1 फीट नीचे पानी था। तो उसे देखा जाए तो पानी थोड़ा सा कम हुआ है, आगे भी अभी ऐसे ही घटने की उम्मीद है। जी जी, बाकी नहीं, और हनुमान जी का मंदिर है, चूँकि यहाँ से नहीं दिख रहा है, बाकी ड्रोन भी वगैरह से आप देख सकते हैं इसको सामने से। बाकी देखिए ये पूरा संगम क्षेत्र का नज़ारा है, ये मंदिर के ऊपरी व्यू, और यहाँ से लोग जो है कि यहाँ पर बढ़ का नज़ारा देखने आए हुए हैं। बाकी देखिए मंदिर का व्यू ज़बरदस्त है, और चूंकि अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है इसलिए आप बाहर से ही देख लीजिए, और एक बार विजिट ज़रूर करिएगा। अगर आज प्रयागराज संगम आ रहे हैं तो एक बार इस मंदिर में ज़रूर आइएगा। दक्षिणी शैली में बनाया गया, दक्षिण भारत की शैली में। देखिए
संगम की तरफ जाने वाला ढलान है और यहीं से आप जाकर के सामने जो है कि जो हनुमान जी का लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है वो सामने ही पड़ेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ हो चुकी है और काफ़ी देखिए पानी लगभग देखिए यहाँ तक आ चुका है। आपको करीब से चलकर दिखाते हैं, देखिए गंगा का जलस्तर कहाँ तक आ पहुँचा है। और देखिए सामने यहाँ पर शाम के वक्त लोग जो है कि स्नान करते हुए फिलहाल आज दिख जाएंगे क्योंकि तीज का मौसम है। बाकी गंगा स्नान के वगैरह भी आप देख सकते हैं, रास्ता है जहाँ से कि लोग जो है कि यहाँ पर ढलान में संगम की तरफ जाते हैं। और बाकी देखें यहाँ का व्यू आपको दिखा दिया गया है। अब चलते हैं हम लोग जो है कि नैनी साइड में और वहाँ से जो है कि आपको व्यू उसका लेकर के दिखाएंगे कि जो नैनी ब्रिज के आसपास कितना गंगा का जलस्तर है तो वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। और बाकी देखें ये वही रास्ता है जहाँ पर कि इसी रास्ते से लोग हनुमान जी और संगम की तरफ जाते हैं। और पीछे आप देख सकते हैं शाम के वक्त संगम में आने और जाने वालों की कितनी भीड़ है। आज जो है 30 अगस्त है और आज के दिन तीज है और इसीलिए देखिए यहाँ पर लोग जो है महिलाएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा संगम की तरफ आ रही हैं स्नान वगैरह करने और जो है कि यहाँ पर गंगा जी के दर्शन वगैरह करने भी। और सामने आप देख ही रहे हैं कितनी भीड़ है। फिलहाल देखिए ये सरस्वती घाट का नज़ारा प्रयागराज। और यहाँ का शुल्क जो है कि अगर आप 5 वर्ष से अधिक हैं 10 रुपये, अगर 5 वर्ष से कम हैं तो 5 रुपये। तो देखिए यहाँ से जो है कि नैनी ब्रिज का व्यू आप देख सकते हैं। बाकी फ़िलहाल जो है कि यहाँ पर देखिए सरस्वती घाट का नज़ारा और उसके बाद आपको दिखाएंगे नैनी ब्रिज का व्यू। देखिए ये सामने है नैनी ब्रिज और जो है कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी जो गंगा का जो जलस्तर है वो देखिए लगभग काफ़ी बढ़ चुका है। और चूँकि हम लोग जो है कि रात के वक्त आए हैं और जो है कि अब आपको दिन का भी नज़ारा दिखाया जाएगा। फिलहाल अभी देखिए नाइट व्यू में आप देख सकते हैं कि नैनी ब्रिज का नज़ारा कितना शानदार देखने में लग रहा है। और बाकी लाइटिंग वगैरह है और इसकी जो मेन खंभे का जो मेन पोल है वहाँ पर देखिए फ़िलहाल 15 अगस्त पर ही केवल लाइटिंग यहाँ पर की गई थी, बाकी देखिए फ़िलहाल इसकी लाइटिंग जो है कि ऑफ है। और फिलहाल हम लोग हैं सरस्वती घाट पर और यहाँ से जो है कि आपको नैनी का व्यू दिखाया जा रहा था जो है कि शाम के 7 बज रहे हैं। ठीक है, अब लोग हम ही लोग हैं फिलहाल में प्रयागराज के सरस्वती घाट पर और जो है कि साथ में आज जो है कि हमारे यहाँ संदीप सिंह ALP NCR और जो है कि आज इन्हीं के सहयोग से यह वीडियो बन रहा है। और बाकी देखिए पीछे आपका जो ये व्यू देख रहे हैं ये पूरा नैनी का नज़ारा है। नैनी जो ब्रिज है नया पुल वो यहीं वाला है और आपको भी अभी पास से भी चलकर दिखाएंगे नैनी व्यू से भी नज़ारा आपको गंगा जी का दिखाने वाला है, यमुना जी का। और जो जल स्तर जो है आप देख ही रहे हैं पहले यहाँ पर जो है कि ये जो है सीढ़ियाँ जो कि पूरी डूब चुकी हैं यमुना ये जो है सरस्वती घाट का। और बाकी देखिए स्टीमर वगैरह यहाँ पर लगी हैं और शाम के समय गंगा का जलस्तर अभी तो 5 दिन लगभग 6 दिनों तक बता रहे हैं कि जगह समय समय पर पानी छोड़ा जाएगा तो वैसे ही चलेगा अभी। और बाकी देखिए कुछ इस प्रकार नज़ारा है सरस्वती घाट का शाम के वक्त। थोड़ी बहुत भीड़ है क्योंकि केवल यहीं तक घाट तक आना है। तो बाकी देख ही रहे हैं प्रवेश शुल्क जो है कि 5 वर्ष से कम है 10 वर्ष है तो उनका शुल्क आपको बताया गया है। तो देखिए यहीं हैं 2-4 लोग हैं फिलहाल, अभी 7 भी नहीं बजे हैं, लगभग अभी 7 बजने में भी 10 मिनट बाकी है तो ही यही नज़ारा है। बाकी सन्नाटा छा गया है क्योंकि बाढ़ की वजह से ज़्यादा लोग आ नहीं रहे हैं। बाकी पार्क है बगल में तो इसमें कुछ लोग आपको रात के वक्त मिल जाएंगे। और बाकी चलिए चलते हैं हम लोग जो है वहीं नैनी ब्रिज के आसपास, वहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं कि गंगा का जलस्तर कहाँ तक बढ़ा हुआ है। तो देखिए ये है सरस्वती घाट का एंट्री गेट और यहीं से जो है कि आप प्रवेश करेंगे और पहुँचेंगे सरस्वती घाट के अंदर। और बाकी देखिए यहाँ पर ये गार्ड महोदय हैं और यहीं जो है कि टिकट वगैरह देने का दोनों काम करते हैं, टिकट भी देने का और जो है कि एंट्री भी दोनों काम इन्हीं का है और यहीं से जाएंगे अंदर। और बाकी देखिए यहाँ पर गेट पे बोर्ड पे लिखा हुआ है बिना टिकट प्रवेश वर्जित है यह सब चीज़ें। बाकी रिक्शा वाले भाई भी मिल जाएंगे का हो यहाँ पर पास में सरस्वती घाट आई गया है कि सोचा कि मन कामेश्वर मंदिर में भी थोड़ा दर्शन कर लेते हैं और इनका जो है कि आशीर्वाद यहाँ पर ले लिया जाए। जो गंगा का जलस्तर है देखिए मन कामेश्वर मंदिर से देखिए लगभग केवल जो है कि एक हाथ जो है कि आप कह सकते हैं कि नीचे है, लगभग 1 फुट के आसपास जो है कि यहाँ पर जो गंगा का जलस्तर बचा हुआ है। अगर 1 फुट और पानी बढ़ता है तो जो गंगा का जलस्तर है वो मन कामेश्वर मंदिर की दीवारों पर ऊपर चढ़ने लगेगा। और यहाँ पर सामने देख सकते हैं देखिए गंगा जी का जलस्तर लगभग जो है कि इनकी दीवारों को लगभग टच कर रहा है और बाकी कुछ ही हो सकता है अगर जब गंगा जी का स्तर बढ़ेगा तो फिर इसको डूबने की भी आशंका है। फिलहाल तो अभी जलस्तर स्थिर बना हुआ है। और देखिए जो है कि मंदिर का ये बोर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं स्वामी सरस्वती जी महाराज।
फिलहाल देखिए यह मनकामेश्वर मंदिर का मुख्य द्वार है और यहीं से आप प्रवेश करके और मंदिर में पहुंचेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो होमगार्ड अंकल जी हैं जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है मनकामेश्वर मंदिर द्वार के गेट पर, और यहाँ पर बखूबी अपनी ड्यूटी को यहाँ पर वो लोग निभा रहे हैं। देखिए फिलहाल आज 30 अगस्त और करीब जो है कि 7:15 बज रहे हैं, और देखिए ये है नैनी ब्रिज, और नैनी ब्रिज के नीचे देखिए जो यमुना का जल स्तर है वो देखिए कहाँ तक पहुँच चुका है, और अभी और भी धीरे धीरे अभी फिलहाल पानी तो स्थिर है, देखिए आगे तक क्या होता है फिलहाल यही अपडेट है। चलिए यही चलते हैं ऊपर, वहाँ से आपको दिखाते हैं इसका व्यू। देखिए फिलहाल हम लोग जो है इसमें है फिलहाल नैनी ब्रिज पर, और जो है कि यहाँ पर देखिए यमुना का जो रौद्र रूप है फिलहाल जो है कि रात के समय में हम लोग आए हैं, तो अभी फिलहाल देखिए जो है कि जो यमुना का जलस्तर है काफ़ी बड़ा हुआ है, और बाकी देखिए नैनी ब्रिज का नज़ारा, और शाम के वक्त यहाँ पर कितने लोग जो है कि ऐसे भी आते थे, और फिलहाल जो है कि अब बाढ़ का जलस्तर बढ़ गया तो उसके बाद भी लोगों का आवागमन और बढ़ता जा रहा है, और बाकी आप देख ही रहे हैं कितनी भीड़ है, और उस तरफ भी आप देख सकते हैं कि उस तरफ भी, और ऐसी ही भीड़ उस तरफ भी देखने को मिलेगी। शाम को पिकनिक स्पॉट के तौर पर जो है कि नैनी ब्रिज का फिलहाल यूज किया जा रहा है। तो आपको हमने यहाँ पर दिखाया है कि जो गंगा का जलस्तर और यमुना का जो जलस्तर है वो ऐसे ही बढ़ता ही जा रहा है और फिलहाल स्टेबल है, और जैसा कि कल हमने आपको अपडेट दिया था, कल का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको जा करके देखिए, तो उसका अपडेट आपको NDRF की टीम से ही मिल पाएगा, जो कि हमने उनसे वार्ता किया था, तो उसका अपडेट आपको उसी वहीं से मिलेगा। और फिलहाल देखिए अमेजन एसोसिएट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और आप ऑनलाइन खरीदारी करना चाहते हैं तो उससे खरीदारी करिए, और बाकी देखिए वीडियो को मैं करूँगा यहीं पर एंड, क्योंकि बाकी सब आपको तो यहाँ पर रिव्यू दिखाई दिया गया है व्यू, जो कि आपको गंगा जी वगैरह का है जलस्तर, और यहाँ पर सरस्वती घाट से भी आपको दिखा दिया गया, बाकी संगम का नज़ारा तो आपने देखा ही, और फिलहाल हम करेंगे यहीं पर एंड। और जो है कि अगर आप इंस्टा पे हमको फॉलो नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और धमाकेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।